महाकुंभ का समापन सहित करम महोत्सव का किया गया आयोजन। भारी बारिश में भी उमड़ी भीड़। खुसरो नगर परिषद अंतर्गत करगली स्थित विनोद बिहारी फुटबॉल मैदान में खेल महाकुंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जो बहुत ही सुंदर और विशाल रूप से धूमधाम से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो CCL तथा BCCL के पूर्व CMD गोपाल सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय लॉन्ग बॉल विजेता दिनेश कुमार, वर्ष 2018 एशियाई गेम मित्रंदाजी में सिल्वर पदक विजेता मधुमिता तथा 2010 में एशियाई गेम में कांस्य पदक विजेता रिमिल विरुली, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट प्रकाश राम, शिशिर महतो, करण कर्मकार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन तथा आयोजन आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव से सांसद प्रतिनिधि संतोष महतो तथा पूर्व जीव सदस्य टिकट महतो ने किए। बेरमो के विभिन्न गांवों से 1000 युवतियों ने करमा महोत्सव में हिस्सा लिया, जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर की थाप पर नृत्य को प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो इस कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान स्वर्गीय कृष्ण मुरारी माता के याद में स्वर्गीय कृष्ण मुरारी महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट खेल महाकुंभ प्रतिभा दर्शन का 7 सितंबर से आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 24 फुटबॉल की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच विंच मुंडा क्लब करगली तथा सूर्य ईश्वर मोदी क्लब सुभाष नगर के बीच खेला गया, जिसमें बिरसा मुंडा क्लब करगली ने ईश्वर मोदी क्लब सुभाष नगर को 4-0 से पराजित कर विजेता टीम को मुख्य अतिथि के हाथों ट्रॉफी और 50,000 रुपये तथा कप प्रदान किया गया तथा उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 30,000 रुपये कप दिया गया। तीसरे और चौथे स्थान पर रहे टीमों को भी 10,000 रुपये करके दिए गए। इस मौके पर बेरमो जिला उपाध्यक्ष बबीता देवी, डुमरी विधानसभा प्रभारी जसोदा देवी, बेरमो विधानसभा प्रभारी काशीनाथ सिंह, जीव सदस्य खुशबू कुमारी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद महतो, सचिन कुमार महतो, नवीन महतो, धनेश्वर महतो, संतोष रवानी, दीपक महतो, मनोज महतो, प्रकाश महतो, रोहित चौधरी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सोना न्यूज बेरमो से शालिनी सिंह की रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर एक चीज का रुख करवाऊंगी, तो अब मैं पहुंच गई हूं मैदान में। तो आप देख सकते हैं मेरे बगल में कि कितनी तादाद में यहां पे भीड़ जुटी हुई है, जबकि यहां पे बारिश हो रही है। हमारे हिसाब से जो हमारे न्यूज थे वो ये था कि 11 से 12 तारीख तक झारखंड में काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होने वाली है, उसके बावजूद बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है। मैदान भी थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन यहाँ पे लोगों का आना जाना या फिर आप भीड़ से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ कितनी तादाद में जुटी हुई है और यहाँ पे आना जाना लोगों का इसी तरह से बरकरार है। यहाँ पे भीड़ की कमी नहीं है, जोश, भीड़ को देख के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जोश कितना भरा पड़ा है लोगों में, और जोश के साथ साथ उत्साह भी उतना ही है। तो आइए हम देखते हैं कि आगे इस उत्साह का क्या एक नया रुख आता है, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता है और उत्साह में जोश भी उसी हिसाब से हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज़ का आपको रुख करवाऊंगी, तो उस हिसाब से हमारा पहला रुख होगा यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कितने तादाद में, इसमें सिर्फ कार्यक्रम में ही कितनी तादाद में भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ है, कार्यक्रम हो रही है और अभी तो यह बस शुरुआत है। अभी हमारे पास जितने भी दिग्गज है वो अभी तक आए नहीं है, उनको आने में भी समय है, उससे पहले ये जोश देखने को मिल रहा है। तो सोचने की बात है कि जब वो आएंगे तो क्या जोश होगा, क्या उमंग होगा, क्या उत्साह होगा। तो हमें उन सभी चीजों की इंतजार में हम बैठे हुए हैं। जैसे वो आएंगे आप तक पल पल की खबर बनी रहेगी, तब तक मैं शालिनी सिंह आपके साथ जुड़ी रहूंगी सोना न्यूज में। धन्यवाद। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ के सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ। तो आइए मैं जानती हूँ इनसे कि इनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में। तो आप मुझे बताएं कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है, उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों को और उनकी उभरती हुई जितनी भी कलाएं हैं उसको देख करके इस प्रोग्राम को हमेशा किया जाता है। तो आप जरा बताएं कि उस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, खेल महाकुंभ यह कार्यक्रम स्वर्गीय मुरारी प्रसाद महतो के याद में हर वर्ष किया जाता है, और चूँकि दिनों दिन खिलाड़ी, चूँकि कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ खिलाड़ी काफ़ी हैं और इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है। साथ साथ करमा त्यौहार भी हम लोगों का झारखंड का त्यौहार है, उस त्यौहार में भी काफ़ी बच्चियाँ भी भाग ली, जो अपनी संस्कृति और अपनी कला को हम लोग बचा सके और हम लोग रख सके, और इससे एक अच्छा संदेश जाता है
कि हम लोग एकजुटता के साथ रहें और इस क्षेत्र के विकास के लिए और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी या कोयलांचल क्षेत्र में जो सहयोग और सपोर्ट प्रबंधन के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे सांसद होने के नाते सभी लोगों को उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि मतलब यहाँ का जो देखा जाए कि जो सांस्कृतिक कला है उसको कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं, इस वजह से कर्मा का ये त्यौहार मना रहे हैं, आप लोग खुले में मना रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि बच्चों के उत्साह को देख करके आप लोग ये ऐसा मतलब कार्यक्रम करवाते हैं सर। लेकिन यहाँ के जितने भी बच्चे हैं अभी, उनकी जितनी भी, वो काफ़ी टैलेंटेड है लेकिन उनकी कुछ पूर्ति नहीं हो पा रही, खेल को लेकर के पूर्ति नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर पर है, तो आप उनकी पूर्ति को लेकर के कुछ स्कीमें बनाए हैं अभी तक, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो कुछ स्कीमें जो आप अभी हमारे साथ शेयर कर सके। देखिए, चूँकि कोयलांचल क्षेत्र है और CCL को भी, कोल इंडिया को भी, इस क्षेत्र में पहले काफ़ी रुचि दिखाया जाता था कोल इंडिया के द्वारा में, क्योंकि लोग विस्थापित होते हैं, लोग यहाँ पर कोयला उत्खनन होता है तो कई सारे नुकसान भी होते, लेकिन उसकी भरपाई के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़े लिखे, लोग खेलकूद में अच्छा हिस्सा ले, तो इस तरह का एक्टिविटी होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह का एक्टिविटी बढ़े, यहाँ के लोगों को शिक्षण संस्था मिले, खेल अकेडमी खुले, ताकि खिलाड़ियों को भी उचित मंच मिल सके। उनकी पूर्ति को आप पूरा करना चाह रहे हैं, जितनी भी कमियां आ रही हैं आप कोशिश में लगे हैं कि उनसे जितनी जल्दी हो सके काम हो सके, प्रयास जारी है। जी धन्यवाद सर आपके इस छोटे से इंटरव्यू का।